अब रहा सवाल चंद्रबाबू नायडू का, तो चंद्रबाबू नायडू अपने ही स्टेट में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उनकी कि वो दो लोकसभा की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। और चंद्रबाबू नायडू जो भी कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माजी में वो कुछ किए, उनका रिकॉर्ड है, और वो फिर चले गए बीजेपी में, तो कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आके यहाँ कम कर दिया, ना सिर्फ कैंपेन किया बल्कि करोड़ों रुपये खर्चा किए। हाँ, तो क्या आप जिस तरीके से आपका रुख था कि हम आंध्र प्रदेश में आएंगे चुनाव, मैं तो जाऊंगा, मैं तो बराबर, मैं तो ये थ्रेट था आपका, एक थ्रेट नहीं है, थ्रेट नहीं राजनीतिक है, थ्रेट नहीं है। मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को कहा था कि मैं बराबर आंध्रा में जाऊंगा, जगन मोहन रेड्डी मेरा दोस्त है, उसके ताईद में करूंगा, और चंद्रबाबू नायडू को हम बताएंगे एंटी इनकम्बेंसी का कैसे उनको नुकसान होता है। सर, एक अंतिम सवाल, क्या इस चुनाव परिणाम को